उत्तर प्रदेश बरेली के आला अफसर सतर्क हैं और जुमे पर कोई खुराफात न हो सके इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवानों के साथ ही पीएसी और आरएएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही वीडियो कैमरों के साथ ही शहर में ड्रोन कैमरों की भी निगरानी की जा रही है। जिले के सभी अधिकारी रखे हुए हैं पूरे शहर पर नजर। गुरुवार की शाम को एडीजी जॉन राजकुमार, आईजी रमित शर्मा, कमिश्नर सेल्वा कुमारी, जेडीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर लोगों में सुरक्षा का एहसास कराया। एडीजी जॉन ने बताया कि जुमे को लेकर पूरे जॉन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी धर्मगुरुओं से भी बात कर ली गई है, अगर कोई शरारत करता है तो उस पर होगी सख्त कार्यवाही। कल जुम्मे को लेकर बरेली जनपद में पूरी तैयारी है, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, पीएसी और आरएफ है। आज शाम को भी सभी फोर्स फ्लैग मार्च कर रहा है। जो संवेदनशील स्पॉट्स हैं, कम्युनल हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पर हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से वार्ता कर रहे हैं। इससे पूर्व भी काफ़ी वृहद स्तर पर हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर धर्मगुरुओं से, सम्रांत लोगों से वार्ता की है और सभी का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि कल का जो जुम्मे की नमाज है सकुशल सम्पन्न हो। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, हम लोग ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं नज़र रखने के लिए। इसके साथ साथ वृहद स्तर पर सीसीटीवी की व्यवस्था भी है, उसको भी हम लोग प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करा रहे हैं। तो सभी कुछ सकुशल संपन्न होगा कल बरेली जनपद में, नहीं बरेली जनपद के बरेली जोन के अन्य जनपदों में भी हम लोग प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार कॉल ऑन हो गया था जुम्मे के लिए, वो तौकीर मियां ने वापस लेके संडे को कर दिया, लेकिन क्या इस्लामिया ग्राउंड को बैरिकेड किया गया है कि कोई धोखे में भी या गलतफहमी में ना जाए? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। एजिटेशन कॉल ऑफ हो गया है और वो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, कहीं कोई अव्यवस्था ना फैलने पाए, कोई अराजकता कोई गड़बड़ी ना करने पाए, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।